हेलो एवरीवन। अब जो भी बच्चे जो हैं इस बार क्लास 12th में हैं, अगले साल उनको बोर्ड्स भी देना है, यानी कि 2023 में उनको बोर्ड्स भी अपीयर होना है, साथ ही साथ 2023 में उनको नीट भी देना है। अब यहाँ पे उनके मन में एक अहम मुद्दा आता है कि बोर्ड और नीट दोनों को साथ साथ कैसे मैनेज करें, क्योंकि बोर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और नीट भी एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, दोनों को साथ साथ मैनेज किया जाए तो कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात यह है बच्चों कि जो नीट होता है और जो बोर्ड्स है ना, इन दोनों का सिलेबस जो है वो लगभग बराबर है। दोनों NCERT बेस्ड होता है, दोनों का सिलेबस NCERT का ही है, तो दोनों का सिलेबस जो है वो लगभग बराबर ही है, लेकिन पैटर्न में काफी फर्क है। जो बोर्ड्स होते हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ मोस्टली वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो नीट है उसमें वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो मुद्दा ये है कि इसको साथ में मैनेज कैसे किया जाए। तो मैनेज करने का तरीका ये रहेगा कि अभी जो भी बच्चे क्लास 12th में होंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल अपनी तैयारी करो, आने वाले 2 या 3 महीनों में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, है ना, सिलेबस को कंप्लीट करो। कम से कम जैसे बोर्ड एग्जाम अगर होता भी है तो अगले साल यानी कि 2023 में अगर बिहार बोर्ड से हो तो फरवरी के मंथ में होगा, और अगर CBSE बोर्ड से हो तो मार्च या अप्रैल के मंथ में होने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए अभी काफी लंबा समय है हमारे पास। नीट अगर ऑन टाइम होता है तो मई में होगा, और अगर थोड़ा डिले होता है तो जून में होगा, है ना। तो ये एक रफ आइडिया है, इसको अपने दिमाग में रखना है। अब दिसंबर तक तो जैसे इंस्टीट्यूट में हमें पढ़ाया जा रहा है, नीट का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, वैसे हमें करते चलना है, उसमें हमें अपने आप को कोई चेंज नहीं लाना है। लेकिन दिसंबर के बाद हमें क्या करना है कि जब भी जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हमें जो है वो टोटली फोकस करना है किसके ऊपर, बोर्ड्स के ऊपर। अब बोर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का जो टॉपिक्स होता है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब होगा क्या, देखना, इसको पॉजिटिव वे में लेना। अब जब जनवरी से तुम बोर्ड्स के ऊपर लग जाओगे तो क्लास 12th के ऊपर तो लगातार मेहनत करोगे, उसको लगातार रिवाइज करोगे, और लगातार रिवाइज करोगे तो बोर्ड्स तक में तुम्हारा 12th के ऊपर जो कमांड है वो और बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक कोशिश जरूर करना, क्योंकि नीट भी तुम्हारा सपना है, तो हल्का हल्का, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन हल्का हल्का 11th के जो टॉपिक तुमको लगते हैं टफ है, तुमको भूलने का लगता है कि तुम इसको भूल जाओगे, उसको हल्का हल्का रिवाइज जरूर करते रहना, क्योंकि टच नहीं छूटना चाहिए, है ना। लेकिन ज्यादा जो फोकस करना है वो किस पे करना है, 12th पे करना है। जैसे ही बोर्ड्स एग्जाम कंप्लीट होता है तो 12th तो तुम्हारे मुट्ठी में है, तुमने उसको कर रखा है, अब तुमको किस पे फोकस करना है, सिर्फ 11th पे फोकस करना है। तो आप तरीका क्या रहेगा, 11th को पूरे एकदम जुनून के साथ जो है जी जान लगा देना है, और 11th को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, और 12th पे हल्का हल्का रिविजन जो है डेली बेसिस पे करते रहना है, ताकि 12th को हम भूले भी नहीं और 11th भी हमारा सही तरीके से रिवाइज हो जाए। डेली बेसिस पे बोर्ड्स खत्म होने के बाद डेली बेसिस पे नीट के पैटर्न के अनुसार हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। और इस तरीके से अगर हम मैनेज करेंगे तो हम बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर कर सकेंगे और हम नीट में भी अच्छा स्कोर कर सकेंगे, है ना। तो इन्हीं तरीकों को अपनाओ, टेंशन बिल्कुल नहीं होगा, और अच्छे तरीके से बोर्ड्स का एग्जाम भी हम पास कर सकेंगे और नीट भी अच्छे तरीके से हम पास कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। Let's crack it.